सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पीने वाले हैं मैंगो शेक जो कि हमने घर पे बनाया और हमें चाहिए 1K सब्सक्राइबर। तो जल्दी से ये रखो, आम हमारा है, ये पड़ा है आम मैंगो और उसके छिलक हमने उतार लिया है। अब इसको बारी आती है काटने की और कुछ इसके ऊपर कट लगाने हैं आपको, लंबे लंबे कट जो कि ईजिली आप लगा ही लोगे। तो हम इसको जल्दी जल्दी से कट लगा रहे हैं और आप जल्दी से कमेंट कर देना कि ये आम कितना मीठा होने वाला है। ये आम बहुत ही स्वादिष्ट होने वाला है। तो हमने इसको अच्छी तरह से काट लिया, अब छोटे छोटे पीस बना के इसके निकाल लेंगे। तो जल्दी जल्दी इसको काटते हैं और जल्दी से कमेंट करना कि आपने मैंगो का शेक पिया कि नहीं पिया, और जल्दी से अपने घर में बना सकते हो। ये काफ़ी इजी है और आपको चाहिएगा इसमें एक मैंगो जो कि आपको मार्केट में इजीली प्रोवाइड हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी से इसको हम काटते हैं, वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं जिससे कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप बोरिंग भी नहीं होगे। तो जल्दी जल्दी से हम इसको काट रहे हैं और जल्दी से हमें फॉलो कर लेना, और काफ़ी बंदे फॉलो नहीं करते हैं, वीडियो को देख के स्किप कर देते हैं। आप जल्दी से आम फेंक के मारिए या फिर गुटली फेंक के मारिए, हमें तो आपको फॉलो चाहिए। और आप जल्दी से लाइक भी कर देना और कमेंट तो आप कर ही दोगे, मुझे पता है। तो ये हम सारे आम को काट लेंगे और जो गुटली बजाती है उसको आप खा भी सकते, चूस सकते हैं, मतलब कि तो चूस लेना आपको। तो हम ये सारे आम के निकाल लेते हैं छोटे छोटे पीसेस। तो यार मेरा मुँह है ना, इतना पानी आ रहा ना, तो मैं बोल भी रहा हूँ साथ के साथ ये काट भी रहा हूँ। तो अब ये ले हमने काट लिया, अब डालने वाले हैं हम ग्राइंडर में और इसको मिक्सी में पूरा पीस देंगे। तो जल्दी जल्दी से उसको डाल देते हैं, लो हम सारा डाल देते हैं। यार एक आधा तुम खा भी लेना, कोई बात नहीं, तुम खा सकते हो एक आधा, तो मैंने भी खाया था। तो अब हमने इसको डाल लिया है, अब डाल रहे हैं हम 2 या फिर 3 स्पून शुगर के, डाल सकते हो आप चीनी के डाल लेना। तो हमने इसको भी डाल लिया है और ये लोग हमने 3 या फिर 4 डाले हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको कितना पसंद है। और अगर जो शुगर के पेशेंट है तो कम डालना यार। और अब डाल रहे हैं आलमंड जो कि बादाम है, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। अब इसको ढक्कन लगाते हैं टक्सना, और ढक्कन ध्यान से लगाना नहीं तो खुल जाएगा ढक्कन। तो अब इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं फटाफट से, और 1 मिनट करना है इसको, बस 1 मिनट से भी कम ब्रो। तो हमने इसको ग्राइंड कर लिया, आप देख सकते हो अच्छी तरह मिक्स हो गया, और देख सकते हो कितना अच्छा दिखने में लग रहा है और पीने में तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो अब डाल रहे हैं 1 पूरा गिलास दूध का, जो कि ये देख सकते हो हमारे पास पूरे गिलास दूध का है। तो इसको भी पूरी तरीके से डाल लिया हमने, और हाफ ही डाला अभी तो हमने। तो अब इसको भी मिलाएंगे हम, तो दोबारा ढक्कन बंद कर देना ध्यान से, और ध्यान से इसको मिलाना, और इसको दोबारा 5 सेकंड तक करना। ये लो ये भी हो चुका है, और देख सकते हो कितना गाढ़ा बन चुका है। तो एक ही मैंगो शेक में आप 5 बंदों को बना सकते हो। तो दोबारा डाल लेते हैं दूध, थोड़ा इसको पतला करेंगे, और ज़्यादा गाढ़ा भी अच्छा लगता नहीं है। तो हम इसको पूरा मार्केट जाके बनाने वाले हैं, तो पीने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। हमने इस पर बादाम भी डाला, आप इसमें अखरोट डाल सकते हो, काजू, किशमिश, जो भी आपके पास पड़ा है। अभी तो हमारे पास सानी तो हमने डाला नहीं है। तो इसको भी दोबारा ढक्कन बंद करते हैं और स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से कमेंट करना कि ये कैसा दिखने को वाला है। तो फॉलो आप तो कर ही लोगे। तो ये लो रेडी हो चुका है, आप इसको डालते हैं गिलास के अंदर, और देख सकते हो आपको ये मार्केट वाला फील आने वाला है। और देख सकते हो ये एक बादाम आया था, और ये लो हमने पूरा फुल कर दिया गिलास। और अब डालेंगे हम चॉकलेट सिरप जो कि आपको मार्केट में इजीली प्रोवाइड हो जाएगा, और हम दोबारा से बोलने वाले हैं आपको 1K लाइक 1K सब्सक्राइबर आप ज़रूर करना, और आप इसे घर में ज़रूर बनाना अगर जो आपको मैंगो शेक पसंद है। और अब तो गर्मी आ रही है और स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है, तो आप घर में बना के इसको पी सकते हो, और ये काफ़ी हेल्दी हो सकता है। अगर जो आप जिम जाते हो तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, अगर जो आप बच्चे हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है, अगर जो आप इसको नॉर्मल डेज में पहन जाओगे तो और भी बेस्ट है, और इवनिंग में पियोगे तो वाह वाह वाह। कमेंट कर देना, और 1K सब्सक्राइबर हमें ज़रूर चाहिए, और हम गार्डन्स वाली वीडियोस भी लाते हैं, और जल्दी से फॉलो करो, और देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है और पीने में तो कितना मज़ा आने वाला है। अगर जब इसमें एक या फिर आप इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप भी अपने घर में बनाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और होम रेसिपी आपको कैसी लगी। और जल्दी से फॉलो वाले कर देना और गुटली फेंक के मारना सब्सक्राइब बटन।